वेलकम टू डी वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गैस, कब्ज और एसिडिटी से बचने के लिए बहुत ही परफेक्ट उपाय। अगर आपको रेगुलर की गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या है या फिर आपका पेट साफ नहीं हो पाता है तो बहुत ही आसान ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, हम आपके लिए मेहनत करके अच्छी से अच्छी वो वीडियो आप तक पहुँचाते हैं जिससे आपको 100% फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ वीडियो से नीचे वाला इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसे ज़रूर दबा दें और पास वाले इस घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको गर्म पानी लेना है, ये यानी कि गुनगुना हल्का, ज़्यादा गर्म भी ना लें। और उसके बाद दूसरी जो सामग्री है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो है हरा धनिया। इन दो को आपको लेना है। तो इसके बाद इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है, आइए हम आपको बताते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जिससे जो लोग आपकी तरह परेशान हैं उन तक भी ये वीडियो सजेस्ट होकर पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखें, इस गुनगुने एक गिलास पानी में आपको मिलाना है सेंधा नमक या फिर काला नमक, आधे चम्मच से भी कम मात्रा में। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से घोल लेना है, यानी कि इतनी देर इसे घोलना है कि इसमें जो नमक की मात्रा है पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये घुल चुका है दोस्तों, आप चाहें तो इसमें हल्का सा आप अजवाइन या फिर इसमें आप ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है दोस्तों, अगर वो मिल जाए तो डाल सकते हैं पीसकर, उसका चूर्ण बनाकर। और इसके साथ दोस्तों आपको एक सामग्री ये डालनी है, ये है हरा धनिया। हरे धनिए को महीन महीन आप काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका मैं आपको बताऊं, जो अच्छा तरीका है वो ये है कि धनिए को आप अच्छी तरह से पीस लें। पीसने के बाद इसे निचोड़ कर इसका रस जो होता है दोस्तों, वो एक गिलास पानी में आप टपकाएं, यानी कि लगभग 2 चम्मच रस इसमें डाल दें। वो एक ज़्यादा अच्छा मेथड है, उससे गैस तुरंत पार हो जाती है। अगर थोड़ा लेट रिज़ल्ट अगर आप इस तरह से डालेंगे तो इस तरह से दोस्तों, जैसे आपकी पाचन क्रिया होती रहेगी उसके साथ साथ आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी जल्द से ख़त्म होती जाएगी। और आपका कितना भी पुराना गैस का समस्या रहता हो, आप लगातार 7 दिन इसका इस्तेमाल कर लें, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और अगर ज़्यादा मतलब परेशान है गैस, कब्ज से इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो धनिए को इसमें पीस कर ही डालें। रेगुलर की समस्या के लिए आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।